नमः शिवाय। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं जीवनी शक्ति और ऊर्जा के देवता ग्रहों के सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, तो इसका कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने जा रहा है। तो देखिए, 10 अगस्त 2022 की रात्रि में 8:37 पर मंगल मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं और वृषभ राशि में 15 अक्टूबर 2022 तक गोचरी स्थितियों में रहने वाले हैं। तो इसका सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है और इसका देश दुनिया के ऊपर भी काफी ज्यादा गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, ग्रहों की जो चाल होती है और ग्रहों का जो गोचर होता है व्यक्ति के जीवन में काफी विशेष और गहरा प्रभाव डालता है। ग्रहों की चाल एक और व्यक्ति को अच्छा कर्म करने के लिए प्रेरित करती है, वहीं बुरा कर्म करने के लिए भी प्रेरित करती है। इसलिए जो बीच बीच में ग्रहों का गोचर होता रहता है उसको इंसान को जरूर जानना चाहिए ताकि आने वाले समय की स्थितियों को पूर्व में ही जानकर बेहतर संभावनाओं का निर्माण जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जा सके। तो देखिए, वैदिक ज्योतिष में मंगल के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए तो मंगल को भूमि पुत्र और ग्रहों का सेनापति विशेष रूप से कहा गया है। मंगल को साहस और संकल्प शक्ति का, ऊर्जा का, ताकत का, छोटे भाई बहनों का, अचल संपत्ति का, रोग और खून का और विज्ञान का विशेष रूप से कारक ग्रह मंगल को माना जाता है, यानी इन सभी चीजों पर मंगल का ही प्रभाव होता है। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल साहस और संकल्प शक्ति को विशेष रूप से दर्शाते हैं। मंगल मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी माने जाते हैं और कर्क राशि और सिंह राशि वाले जातकों के लिए मंगल योग कारक ग्रह होते हैं। यदि मंगल राशि के तीसरे भाव, छठे भाव, दसवें भाव और एकादश भाव में मौजूद हो तो जातक के जीवन में काफी ज्यादा श्रेष्ठ और शुभ प्रभाव देने लगते हैं। मंगल की स्थिति यदि जन्म कुंडली पर अनुकूल हो तो उस जातक के अंदर अभूतपूर्व साहस देखने के लिए मिलता है। ऐसा जातक किसी दूसरे व्यक्ति के अंडर में रहकर, किसी दूसरे व्यक्ति के दबाव में रहकर कार्य नहीं कर सकता और ऐसे जातक को खेल, सेना और शारीरिक प्रतिस्पर्धा से जुड़े हुए क्षेत्रों में बड़ी सफलता देखने के लिए मिलती है। जन्म कुंडली पर मंगल पीड़ित हो तो परिवार को लेकर उलझनों का सामना करना पड़ता है। संतान प्राप्ति में और विवाह में विलंब का सामना करना पड़ता है। जमीन को लेकर विवाद जीवन में हमेशा बना रहता है। मंगल खराब हो तो ऐसे जातक को शत्रुओं से पराजय का सामना करना पड़ता है। वहीं बीपी, अल्सर, रक्तचाप और खून से जुड़ी हुई बीमारी काफी ज्यादा परेशान करती रहती है। इसको मंगल से जुड़ा हुआ उपाय करके इसको ठीक भी किया जा सकता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार से प्रभाव देने वाला है। तो कर्क राशि वाले जातकों, आपकी चंद्र राशि के ऊपर यह फलादेश आधारित है तो आप इसे इसी आधार पर जरूर देखें। कर्क राशि वाले जातकों, आपके राशि के लिए मंगल आपके संतान भाव और आपके कर्म भाव के स्वामी माने जाते हैं। 10 अगस्त 2022 को मंगल आपके राशि से 11th हाउस में प्रवेश करने वाले हैं और जहां पर 15 अक्टूबर 2022 तक गोचर में रहने वाले हैं। राशि के 11वें भाव से व्यक्ति के समाज में मान सम्मान के बारे में, मनोकामनाओं की पूर्ति के बारे में, बड़े भाई और व्यक्ति के जीवन में लाभ के बारे में मुख्य रूप से विचार किया जाता है। तो मंगल का यह गोचर आपके जीवन में काफी अच्छा और श्रेष्ठ प्रभाव दे सकता है। मंगल आपके 11th हाउस में मौजूद होकर कर्क राशि वाले जातकों के लिए कई प्रकार की संभावना आपके जीवन में देने वाले हैं। सबसे पहले करियर के मामले में जिन कर्क राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करने के बावजूद जीवन में कम परिणाम देखने के लिए मिल रहा था,
तो करियर के दृष्टिकोण से यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों का जो व्यक्तित्व है उसमें गजब का आकर्षण देखने के लिए मिल सकता है। आपकी राशि के 11th हाउस में मंगल मौजूद होकर अपनी चतुर्थ दृष्टि से आपकी राशि के धन भाव को देख रहे हैं, सप्तम दृष्टि से आपकी राशि के संतान भाव को देख रहे हैं और अष्टम दृष्टि से आपकी राशि के रोग भाव को देख रहे हैं। तो इस समय अंतराल में कर्क राशि वाले जातकों के लिए धन के मामले में यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। इस समय अवधि में आपके जीवन में अचानक से धन लाभ होने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। विदेशों से धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है। साथ में कर्क राशि के ऐसे जातक, पुलिस, सेना या मार्केटिंग के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स या रिसर्च के क्षेत्र में जो जातक जुड़े हैं, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो जातक कार्य करते हैं, डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे का संचालन यदि आप करते हैं, इन सभी क्षेत्रों में जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों को आय के साधन में वृद्धि देखने के लिए विशेष रूप से मिलने वाली है। आपके जीवन में यदि काफी ज्यादा खर्चों की अधिकता बनी हुई थी उसमें भी आपको काफी ज्यादा राहत देखने के लिए मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान कर्क राशि के शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातकों के लिए यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। छात्र जीवन में जुड़े हुए जातकों के अंदर एकाग्रता विशेष रूप से देखने के लिए मिल सकती है। तो यदि आप इस समय अवधि में किसी प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठने की यदि आप योजना बनाते हैं तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि आपके राशि के पंचम भाव पर मंगल की पूर्ण दृष्टि जा रही है। उसके साथ साथ कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल के इस गोचर काल के दौरान प्रेम संबंध के मामले के लिए समय बेहतर रहेगा। और कर्क राशि के जो जातक जो पूर्व के समय से किसी प्रकार की शारीरिक रूप से समस्या से जो जातक परेशान हैं, यानी यदि आपको जीवन में हाथ पैर में दर्द की समस्या, आपको बीपी की समस्या बनी हुई है या आपको रक्त से जुड़ी हुई किसी प्रकार की समस्या बनी हुई है, उसमें आपको काफी ज्यादा राहत देखने के लिए मिलने वाली है। साथ में यह मंगल का यह गोचर कर्क राशि के ऐसे जातकों को विशेष सफलता दे सकता है जो कर्क राशि के जातक किसी प्रकार के मुकदमेबाजी में विजय की संभावना को लेकर यदि आप जीवन में चल रहे हैं तो मुकदमेबाजी के लिए यह गोचर काफी ज्यादा बेहतर रहेगा। कानूनी मामलों में विजय आपको देखने के लिए मिल सकती है। कुटुंबीजनों के साथ कर्क राशि वाले जातकों को संबंध को सुधार कर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता रहने वाली है। और मंगल के इस गोचर काल के दौरान आपको जीवन में अति उत्साह से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप दो काम यदि आप करेंगे, ये चीजों पर ध्यान देंगे तो यह गोचर आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। अब यदि आपकी जन्म कुंडली पर मंगल नीच के होकर बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या राशि के 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो कुछ विशेष और धार्मिक उपाय आपको इस समय अंतराल में जरूर करना होगा। कर्क राशि वाले जातक, यदि आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और यदि आप हनुमान मंदिर में लाल ध्वज स्थापित करते हैं तो मंगल आपके जीवन में शुभ प्रभाव देंगे। मंगल को अनुकूल बनाए रखने के लिए आपको जीवन में मंगल से जुड़ी हुई चीजों का विशेष रूप से दान करना बेहतर रहेगा, जिसमें गेहूं, सौंफ, देसी शक्कर, गुड़, च्यवनप्राश, इन चीजों का यदि आप दान करते हैं। दान का समय रहेगा सूर्योदय से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच में और मंगलवार के दिन ही आप दान करें तो आपके जीवन में संभावना बेहतर बनेगी। मंगल को बलि बनाए रखने के लिए विशेष रूप से कर्क राशि वाले जातकों को अपने व्यक्तिगत जीवन में भाई बहनों के साथ संबंध को सुधार कर विशेष रूप से चलना चाहिए और यदि संभव हो तो दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा भी आप पहन सकते हैं। इनमें से किसी एक उपाय को आप यदि करेंगे तो आपके लिए संभावना काफी ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनेगी। उम्मीद है यह जानकारी कर्क राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित
अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।